फाइलजिला में फाइल हैंडलिंग और बुकमार्क्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम रिमोट मशीन में फाइलों को देखने, संपादित करने, रीनेम करने और डिलीट करने तथा बुकमार्क्स को ऐड करने एवं मैनेज करने के बारे में सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu Linux OS 14.04 फाइलजिला 3.10.2 और एक वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर रही हूँ। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपके पास किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए। लिनक्स ओएस के बारे में सीखने के लिए कृपया इस वेबसाइट पर लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल्स देखें। आइए शुरू करते हैं। मैं पहले से ही फाइलजिला इंटरफेस पर हूँ। मैं आप सबको दिखाती हूँ कि किस प्रकार बहुत सारा विवरण एंटर किए बिना भी कैसे रिमोट मशीन से कनेक्ट करना है। क्विक कनेक्ट बार में क्विक कनेक्ट बटन पर जाएं। अब इसके आगे के ड्रॉप डाउन एरो का चयन करें। यह रिमोट मशीनों की एक सूची प्रदर्शित करेगा जिससे हम पूर्व में कनेक्ट हुए थे। हम सिर्फ एक मशीन से कनेक्ट हुए हैं और वह यहाँ दिखाई दे रही है। उसे चुने, मांगे जाने पर रिमोट मशीन का पासवर्ड टाइप करें और ओके दबाएं। चूंकि मैंने इसे पहले ही सेव किया था, इसलिए इसने यह मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। अब हम अपने रिमोट मशीन से कनेक्ट हो गए हैं। रिमोट मशीन में स्पोकन ट्यूटोरियल फोल्डर को ब्राउज करें, जिसे हमने पहले बनाया था। अब मैं अपने लोकल मशीन से एक डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगी। इसे यहाँ पहले ही बताया जा चुका है। ध्यान दें, डॉक्यूमेंट sample.odt को रिमोट मशीन में अपलोड कर दिया गया है। मैं इस डॉक्यूमेंट को रीनेम करना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए फाइल पर राइट क्लिक करें और रीनेम विकल्प का चयन करें। फाइल नेम अब एडिट हो सकता है। मैं इसे script.odt के रूप में रीनेम करूंगी और एंटर दबाऊंगी। अब फाइल sample.odt का नया नाम script.odt हो गया है। इसी प्रकार हम किसी भी फाइल या फोल्डर को लोकल और रिमोट दोनों मशीनों में रीनेम कर सकते हैं। क्या रिमोट लोकेशन से फाइलों को देखना या एडिट करना संभव है? हाँ, यह संभव है। आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे करना है। script.odt फाइल पर राइट क्लिक करें, व्यू एडिट सेलेक्ट करें। script.odt नामक फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। यह लोकल मशीन के टेम्परेरी फोल्डर में सेव हो जाती है। इसके बाद यह अपने डिफॉल्ट एप्लीकेशन में खुलती है। चूंकि मैंने एक राइटर डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था, इसलिए यह LibreOffice राइटर में खुलेगी। खुले हुए डॉक्यूमेंट में मुझे पहली दो लाइनें डिलीट करनी है और फिर सेव पर क्लिक करना है। अब राइटर डॉक्यूमेंट को बंद कर दीजिए। तुरंत एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुलता है। यह बताता है, फाइल सूचना के साथ, अ फाइल प्रीवियसली ओपन्ड हैज बीन चेंज्ड। यह भी बताता है, अपलोड दिस फाइल बैक टू सर्वर। और एक चेकबॉक्स है, फिनिश एडिटिंग एंड डिलीट लोकल फाइल। हमें चेकबॉक्स सेलेक्ट करना है और यस पर क्लिक करना है। अब लोकल रूप से एडिट की हुई फाइल को रिमोट मशीन में वापस अपलोड किया गया है। इस प्रकार रिमोट मशीन में फाइलों को देखना और एडिट करना काफी आसान है। नोट, फाइल को व्यू एडिट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर आपके लोकल मशीन में इंस्टॉल होने चाहिए। मेरे लिए यह LibreOffice राइटर था। फाइल परमिशन सेट करने के लिए फाइल पर राइट क्लिक करें और फाइल परमिशन चुनें। चेंज फाइल एट्रीब्यूट्स डायलॉग बॉक्स खुलता है। अपनी आवश्यकता अनुसार परमिशन को बदलें। परमिशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए लिनक्स सीरीज में फाइल एट्रीब्यूट्स ट्यूटोरियल देखें।
मैं परमिशंस को जैसा है वैसे ही रखूंगी और ओके पर क्लिक करूंगी। रिमोट मशीन से किसी फाइल को डिलीट करने के लिए फाइल पर राइट क्लिक करें और डिलीट चुनें। कंफर्मेशन नीडेड नामक एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। यस पर क्लिक करें। अब फाइल script.odt रिमोट मशीन से डिलीट कर दी गई है। कृपया ध्यान दें यह डिलीट स्थाई है। क्या हमें फाइल ट्रांसफर के लिए हमेशा विशेष लोकेशन को ब्राउज करने की जरूरत है? नहीं, हम लोकेशनों को बुकमार्क कर सकते हैं और बाद में इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। बुकमार्क्स ऐड करने से पहले हमें वर्तमान कनेक्शन को साइट मैनेजर में कॉपी करना होगा। ऐसा करने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। कॉपी करंट कनेक्शन टू साइट मैनेजर चुनें। साइट मैनेजर विंडो खुलती है। बाईं ओर न्यू साइट को माय साइट के रूप में रीनेम करें। फिर ओके पर क्लिक करें। अब मेन मेन्यू बार में बुकमार्क्स चुनें। यह दो विकल्प सूचीबद्ध करता है, ऐड बुकमार्क और मैनेज बुकमार्क्स। मुझे ऐड बुकमार्क चुनना है। न्यू बुकमार्क डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसके दो प्रकार हैं, ग्लोबल बुकमार्क। यह बुकमार्क सभी कनेक्ट किए हुए मशीनों के लिए कार्य करेगा। साइट स्पेसिफिक बुकमार्क, यह विशेष रिमोट मशीन के लिए है। मैं साइट स्पेसिफिक बुकमार्क चयन करूंगी। नेम फील्ड में मैं स्पोकन टाइप करूंगी। अगला सेगमेंट पाथ्स है। यह लोकल मशीन और रिमोट मशीन के वर्तमान पाथ को प्रदर्शित करता है। यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो ब्राउज पर क्लिक करें। मैं केवल वर्तमान लोकेशनों को बुकमार्क करना चाहती हूं, इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगी। ओके पर क्लिक करें। अब ये लोकेशन बुकमार्क किए हुए हैं। बुकमार्क्स को एक्सेस करने के लिए मेनू बार में जाएं और बुकमार्क्स चुनें। यहां आप बुकमार्क स्पोकन का नाम देख सकते हैं जिसे हमने बनाया है। इस पर क्लिक करें। अब हम स्वतः बुकमार्क्ड लोकेशन पर लाए गए हैं। अब हम इस ट्यूटोरियल के समापन पर आ गए हैं। संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। आइए संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने रिमोट मशीन में फाइलों को देखने, संपादित करने, रीनेम करने और डिलीट करने तथा बुकमार्क्स को ऐड करने एवं मैनेज करने के बारे में सीखा। लिंक पर दिया गया वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। हम कार्यशालाएं आयोजित करते हैं तथा ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। इस स्पोकन ट्यूटोरियल पर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया इस साइट पर जाएं, उस मिनट और सेकंड का चयन करें जिसके संबंध में आप प्रश्न पूछना चाहते हैं। अपना प्रश्न संक्षेप में बताएं। स्पोकन ट्यूटोरियल टीम का कोई सदस्य आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।